Previous video session we discussed about rules at home, second rules in a school, third one rules on road. Now let's see rules in the community. Community means हमारी society. What is the meaning by community? Community means society, हमारा समाज. So which rules we have to follow in the community? First, show respect and care for everybody. You have to must elders and old ladies. You have to care their respect and care of everybody. Second, always help the ones in need. जिसे भी हम जो भी means कोई उसको मदद चाहिए तो हमें उसकी हमेशा help करनी चाहिए. Maintain peace and harmony in the community. हमारी community में, हमारे समाज में शांतता और सभ्यता से वातावरण निर्माण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी है. पीस एंड हार्मोनी. सो डो नॉट लिटर, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, यूज डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज. लिटर्स का मीनिंग होता है कि गंदगी फैलाना ये हमारा काम नहीं है. हमें हमारी सोसाइटी में हमेशा गंदगी फैलाने से, कोई भी अगर गंदगी फैलाता है, कचरा डालता है, कूड़ा डालता है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको अवेयर करना चाहिए कि वो डस्टबिन का यूज करे. सो डू नॉट हार्म पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, दीज थिंग्स इज अवर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी हैव टू केयर ऑफ देम. डू नॉट हार्म पब्लिक प्रॉपर्टी. सो यू हैव टू मस्ट केयर ऑफ देम. नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स एंड ड्यूटीज. फॉर हेल्दी एंड सेफ एंड कंफर्टेबल लिविंग we should make these rules our duties. So duties are our moral responsibility. So students, healthy, safe and comfortable living ke liye we have to must follow these rules. These rules are duties. Duties are moral responsibility. ये जो वे rules बनाए गए हैं हमारी safety के लिए बनाए गए, तो ये हमारे कर्तव्य. duties का मतलब होता है कर्तव्य. हमारे कर्तव्य बोल के हमें ये नैतिक जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसे निभाना पड़ता है. बाय फॉलोइंग दीज ड्यूटीज वी वर्क फॉर द वेल बींग ऑफ वन एंड ऑल. अगर ये हम ड्यूटीज निभाएंगे हमारी कम्युनिटी में पीस एंड हार्मोनी हार्मोनी रहेगी. अगर हम ये ड्यूटीज हमारी कंट्री के अंदर हमें वेल एग्जाम्पल बनाना है वर्ल्ड में पूरे हमारी कंट्री का, तो हमें ये छोटी छोटी सेफ्टी रूल्स ये हमें फॉलो ही करना पड़ेगा. इट इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो नाउ अवर चैप्टर विल बी हियर फिनिश. सो यू हैव टू मस्ट रीड द चैप्टर केयरफुली एंड हार्ड वर्ड्स यू हैव टू लर्न इट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.